तो नमस्कार, मैं गोपाल और आप देख रहे हैं गोपाल पंडित जी। आज का हमारा यह वीडियो मुख्य रूप से उन कन्याओं के लिए है जिनकी अभी शादी नहीं हुई है। हमारे चैनल पर कमेंट आया था, क्या शादी से पहले भी करवा चौथ व्रत किया जा सकता है या करते हैं। देखिए, बहुत विनम्रता पूर्वक यह प्रश्न पूछा गया था। जो शब्द लिखे थे बहुत अच्छे शब्द लिखे थे, जिन्होंने भी लिखा था उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो करवा चौथ व्रत होता है उसको स्त्रियां या कन्या अपने पति के लिए किया करती हैं। जो सुहागिन स्त्रियां होती हैं वो अपने पति के लिए करवा चौथ व्रत करती हैं। अब इस व्रत में क्या होता है, पति के दीर्घ आयु के लिए, मंगल कामनाओं के लिए, समृद्धि के लिए यह व्रत किया जाता है। तो जो कन्याएं हैं यदि व्रत करने की इच्छुक हैं या व्रत करना चाहती हैं तो वो भी कर सकती हैं, परंतु करने का जो नियम है वो थोड़ा अलग है। देखिए, हो सकता है आपकी शादी कहीं तय हो, आपके परिवार वाले कहीं, आप किसी के मंगेतर हों, ऐसा भी हो सकता है, तो आपके करने का जो विधान है वो थोड़ा अलग होगा। सुहागिन स्त्रियां क्या करती हैं कि व्रत खोलने से पहले शाम को अच्छे से तैयार हो जाती हैं, उसके बाद व्रत खोला करती हैं, सुबह हुआ सरगी खा करके फिर व्रत शुरू किया करती हैं। पूजन करने के बाद मायना अपने सास को दिया करती हैं जिसमें सारी सुहाग की सामग्रियाँ हुआ करती हैं। अब देखिए, आपके पास सास तो होंगी नहीं, क्योंकि अभी आपकी शादी सिर्फ फिक्स हुई है, आपकी शादी हुई नहीं है। तो आप क्या करेंगी, आप निर्जला व्रत नहीं रहेंगी, जैसे कि अन्य स्त्रियाँ जो शादीशुदा स्त्रियाँ हैं वो पूरा दिन बिना कुछ खाए पिए व्रत रहा करती हैं। तो आप फल भी ले सकती हैं, जल भी ले सकती हैं, कुछ खा करके ही पूरा व्रत करें। पूरे दिन का व्रत जब हो जाए तो शाम के समय क्या करते हैं, वो सब 16 श्रृंगार करके फिर पूजन करते हैं। आपको श्रृंगार नहीं करना, सामान्य रूप से तैयार हो जाना है, आपको चलने का प्रयोग कतई करना ही नहीं है और आपको चंद्रमा का दर्शन नहीं करना है। तो फिर क्या करें, आपको भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, गणेश जी, गौरी, इनका पूजन कर लेना है। हो सके तो कलश और नवग्रह का भी यथाशक्ति पूजन करें। इनका पूजन करने के बाद फिर आप, जैसे सुहागिन स्त्रियां चंद्रमा को अर्घ दिया करती हैं, चंद्रमा का यथाविधि पूजन करती हैं, ठीक उसी प्रकार आपको पश्चिम दिशा में भगवान ध्रुव तारा का पूजन करना है, जो कि आकाश मंडल में सबसे चटक जलने वाला तारा है। उसका आपको, उसी को अर्घ देना है, उसी को जल, उसी को अक्षत, फूल, कुमकुम, रोली, प्रसाद, जो कुछ भी है उसी को चढ़ाकर अर्पण करना है। व्रत खोलते समय आपको क्या करना है, यदि आप किसी के मंगेतर हैं तो आपके पास हो सकता है फोटो हो, उसको देख करके व्रत खोलना है, क्योंकि जो सुहागिन स्त्रियाँ हैं उनके पति होते हैं, उनके हाथ से उनका व्रत खोला जाता है। आपको फोटो देख करके व्रत खोल लेना है, या फिर हो सकता है कि आपके पास वीडियो कॉल की सुविधा हो वो कर लीजिए, ना हो तो फ़ोन कर लीजिए, कुछ ना हो तो मन में स्मरण उन करके तब व्रत खोले। इस प्रकार से आपको करना है। याद रहे कि आपको पूरा दिन निर्जला व्रत नहीं रहना है, क्योंकि उसमें मायना देना पड़ता है सास को, आपके पास सास नहीं होगी, ठीक है। तो कामना करता हूँ कि जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो गोपाल पंडित जी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अन्य धार्मिक फ्रेंड्स मित्रों के पास जरूर भेजें। जय श्रीमन्नारायण।